चलिए नमस्कार दोस्तों, आप सबको फिर से स्वागत है कुंदन शर्मा मैथमेटिक्स क्लासेस में। देखिए नाइन्थ नंबर जो क्वेश्चन है आपका केसी सिन्हा का नाइन्थ नंबर जो है 19.1 का नाइन्थ नंबर, वो क्वेश्चन है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे ए बी सी क्या है आपका कॉन्स्टेंट है। यहाँ देखिए एक्स है, एक्स जो आपका एक्स स्क्वायर एक्स क्या है आपका वेरिएबल है, यानी कि इसका इंटीग्रेशन हो सकता है एक्स के रिस्पेक्ट में, लेकिन ए बी सी का नहीं हो सकता है। तो जो जो कॉन्स्टेंट है उसको क्या करेंगे, बाहर करते चलेंगे, इंटीग्रेशन का बाहर करते चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर को करेंगे तो ए बाहर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा ना। अब उसके बाद देखिए प्लस का बी को बाहर कर देंगे, एक्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, सी को बाहर करेंगे, डीएक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर टू प्लस वन अपॉन में क्या हो जाएगा, टू प्लस वन, और ए को तो छोड़ेंगे नहीं ना, ए को भी साथ साथ में लेकर चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बी इंटू एक्स के पावर वन प्लस वन और अपॉन में क्या हो जाएगा, वन प्लस वन हो जाएगा, ठीक। अब देखिए प्लस में सी डी एक्स है, यानी कि आपका यहाँ पे एक्स हो जाएगा, ठीक, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, और प्लस में फिर आप सी भी लिखेंगे, क्योंकि सी क्या होता है, प्लस सी क्या है आपका यहाँ पे कॉन्स्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे ए इंटू, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए, और एक्स के पावर क्या हो जाएगा आपका थ्री, अपॉन क्या हो जाएगा आपका थ्री हो जाएगा, एक्स क्यू अपॉन ए के पावर एक्स क्यू अपॉन थ्री हो जाएगा, और प्लस में बी एक्स स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा, प्लस में सी एक्स प्लस में सी। इसी को देखिए अरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, ए अपॉन थ्री एक्स क्यू प्लस में बी अपॉन टू एक्स की एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में सी, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व किए, सबसे पहले समझिए सबको क्या किए, बारीकी से सबको अलग अलग किए, सेपरेट किए, सेपरेट करने के बाद सबको क्या किए, इंटीग्रेट कर दिए। इंटीग्रेट करने का तरीका वही है, पुराना वाला ही तरीका है। आप क्या किए कि कॉन्स्टेंट को जो जो भी कॉन्स्टेंट था उसको बाहर कर लिए, बाहर करने के बाद जो वेरिएबल था एक्स के रिस्पेक्ट में जो इंटीग्रेट होने वाला था उसको एक्स के रिस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेट कर दिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।